So guys, listen to this video very carefully because in this video we are going to discuss regarding how to utilize your puja vacation smartly. And this video is important for all ICSE and ISC 2025 batch students. So if you are an ICSE or ISC student, do watch this video till the end. तो गाइज़ यहाँ पर देखो जो कि पूजा वेकेशंस है, यहाँ पर कुछ ऐसा चीज़ है जो कि तुम लोग इस टाइम पीरियड के अंदर यूज़ कर सकते हो पूजा वेकेशंस को. और तुम लोग ये जो तुम्हारा 10 दिन का कुछ स्कूल्स में, यहाँ पर 8 दिन का कुछ स्कूल्स में, यहाँ पर 10 दिन का 12 दिन का जो यहाँ पर तुम्हें हॉलीडेज़ मिला है, इसको तुम यहाँ पर यूटिलाइज़ कर सकते हो और तुम यहाँ पर इसको प्रोडक्टिव बना सकते हो. सो व्हाट आर द थिंग्स विच यू कैन एक्चुअली डू, इस चीज़ को लेकर इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे. तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वीडियो को एंड तक जरूर देखना. सो लेट्स स्टार्ट विद दिस वीडियो. वेल, तो गाइज़ यहाँ पर सबसे पहले तुम लोग मुझे नीचे कॉमेंट कर ये बताओ कमेंट सेक्शन में कि तुम्हारा यहाँ पर पूजा वेकेशंस, दुर्गा पूजा हॉलीडेज कब से स्टार्ट है और यहाँ पर कितने दिन का तुम्हें यहाँ पर हॉलीडे मिला है. अब देखो यहाँ पर जो है सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि ऐसे यहाँ पर अगर तुम लोग पूरा प्रॉपर प्लानिंग नहीं करते हो कि तुम यहाँ पर पूजा वेकेशंस का जो ईच एंड एवरी डे है, अगर तुम लोग प्लान नहीं करते हो तो दैट्स गोइंग टू बी वेरी मोनोटोनस. तुम्हारा यहाँ पर तुम्हें पता भी नहीं लगेगा और तुम यहाँ पर बाद में रिग्रेट करोगे, तुम्हारा यहाँ पर पूजा वेकेशंस खत्म हो जाएगा, फिर से स्कूल यहाँ पर रिज्यूम हो जाएगा. तो तुम्हें यहाँ पर करना क्या है, सबसे पहला चीज़ कि तुम्हें यहाँ पर सब्जेक्ट्स लाइक योर मैथ्स, सब्जेक्ट्स लाइक योर फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, तुम्हें यहाँ पर मैथ्स का सारा क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है. बिकॉज इससे डेली तुम्हें यहाँ पर अच्छे से टाइम नहीं मिल पाता कि तुम लोग यहाँ पर मैथ्स का सारा चैप्टर्स को कंप्लीट करो. ऑल ऑफ यू नो दैट योर मैथ्स सिलेबस इज़ वेरी वास्ट, इट्स वेरी ह्यूज, एंड इफ़ यू डोंट यूटिलाइज दिस टाइम देन बाद में तुम्हें यहाँ पर इतना टाइम नहीं मिलेगा कि तुम इतना लेंदी लेंदी चैप्टर्स, एक एक चैप्टर में इतना सारा एक्सरसाइजेस है वो सब तुम यहाँ पर कंप्लीट नहीं कर पाओगे एट द लास्ट मोमेंट. तो काफी इंपॉर्टेंट है कि यहां पर तुम्हें क्या करना है, थोड़ा मैथ्स प्रैक्टिस करना है, फिजिक्स का तुम्हारा यहां पर जो न्यूमेरिकल्स एंड ऑल है वो तुम्हें यहां पर सॉल्व करना है, प्लस जो केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री का बैलेंसिंग द इक्वेशंस, देन यहां पर और भी चैप्टर्स है, मेटलर्जी है, देन मोल कॉन्सेप्ट है, काफी सारा वहां पर भी न्यूमेरिकल्स होता है. ये सारा चीज तुम्हें यहां पर ट्राई करना है कि तुम्हारा यहां पर कंप्लीट हो जाए. अब यहां पर जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है, तुम्हारा यहां पर प्रोजेक्ट वर्क तुम्हारे स्कूल से, तुम सभी को पता है कि यहां पर अगर तुम आईसीएसई क्लास 10 के स्टूडेंट हो तो तुम्हारा यहां पर 80 मार्क्स का थ्योरी पेपर होगा और जो 20 मार्क्स है वो तुम्हें यहाँ पर प्रोजेक्ट करने से मिलेगा. और ये जो 20 मार्क्स है ये स्कूल के हाथ में है, तो तुम्हें उसके लिए यहाँ पर प्रोजेक्ट बनाना पड़ता है अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट टीचर. तुम्हें जिस तरीके से बोला गया है, तुम्हें यहाँ पर डेकोरेशन एंड ऑल जितना पेजेस बोला गया है लिखने के लिए, तुम्हें यहाँ पर बिब्लियोग्राफी, देन स्टार्टिंग का तुम्हारा यहाँ पर जो कि कंटेंट रहता है, देन यहाँ पर तुम्हारा जो है एक्नॉलेजमेंट, इंडेक्स, सारा कुछ यहाँ पर तुम्हें अच्छे तरीके से प्रॉपर एज टोल्ड बाय योर सब्जेक्ट टीचर तुम्हें बनाना पड़ता है. तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि ये तुम्हारे लिए बेस्ट टाइम है. अगर तुमने अभी तक यहाँ पर सारे सब्जेक्ट्स का प्रोजेक्ट सबमिट नहीं किया है तो जो भी यहाँ पर पेंडिंग सब्जेक्ट्स है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि तुम्हें यहाँ पर प्रोजेक्ट वर्क कंप्लीट कर लेना है. बिकॉज यहाँ पर अगर तुम्हारा प्रोजेक्ट वर्क कंप्लीट नहीं है तो तुम्हारा यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बाद में टाइम वेस्ट होगा और तुम्हें बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलेगा सेल्फ स्टडी करने के लिए. सो दिस इज़ द बेस्ट टाइम वेर यू कैन एक्चुअली डू योर प्रैक्टिकल वर्क. अगर तुम्हारा यहाँ पर प्रैक्टिकल में कुछ राइटअप है, अगर तुम क्लास 12 के स्टूडेंट हो तो तुम्हारे यहाँ पर बेसिकली तुम्हें सारे सब्जेक्ट्स के लिए प्रैक्टिकल मिलता है, स्पेशली जो भी तुम्हारा सब्जेक्ट्स हो. सो एज पर योर सब्जेक्ट्स तुम्हारा जो भी रिटन वर्क है वो सारा चीज़ तुम्हें यहाँ पर प्रोजेक्ट हो सकता है, बी इट योर प्रैक्टिकल वर्क, सारा कुछ तुम्हें यहाँ पर कंप्लीट करना है. एंड एट द सेम टाइम तुम्हें यहाँ पर सब्जेक्ट्स लाइक मैथ्स, देन फिजिक्स, जो भी न्यूमेरिकल्स है, जो भी मैथ्स का क्वेश्चन है वो सारा कुछ तुम्हें यहाँ पर सॉल्व करना है और ट्राई करना है कि जल्द से जल्द तुम यहाँ पर कुछ चैप्टर्स को ये हॉलीडे के अंदर कंप्लीट कर सको. नेक्स्ट थिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, देखो यहाँ पर तुम्हारा जो कि बोर्ड एग्जाम्स है, यू आर गोइंग टू गिव इट ओनली वंस इन योर लाइफ टाइम. यहाँ पर तुम्हारा जो है इंप्रूवमेंट एग्जाम भी होता है, बट दैट्स एन एक्सेप्शनल केस. डू यू रियली वॉन्ट टू गिव इंप्रूवमेंट एग्जाम? अगर तुम अभी अच्छे से करते हो तो तुम्हें यहाँ पर इंप्रूवमेंट एग्जाम देना ही नहीं पड़ेगा. और दूसरा चीज़ कि यहाँ पर अगर तुम लोग दोबारा से इंप्रूवमेंट एग्जाम देते हो तो तुम्हारा रिजल्ट अगेन यहाँ पर लिखा हुआ आएगा कि तुमने यहाँ पर सेकेंड टाइम एग्जाम दिया है, जो कि सो कॉल्ड इंप्रूवमेंट एग्जाम है. तो तुम्हें यहाँ पर क्या करना है, अच्छे से प्रिपरेशंस करना है. और यहाँ पर जो पूजा वेकेशंस है इट कम्स एवरी ईयर, बट यहाँ पर तुम्हारा बोर्ड एग्जाम, तुम्हें सिर्फ एक चांस मिलेगा बोर्ड एग्जाम्स देने के लिए. सो तुम्हें काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि अच्छे से सारा कुछ यहाँ पर प्रिपेयर करना है. सो प्लीज़ डोंट वेस्ट दिस टाइम. नाउ हियर मैं तुम्हें ये नहीं बोल रही कि तुम्हें यहाँ पर इन्जॉय बिल्कुल भी नहीं करना है, बट यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि तुम्हें यहाँ पर दिन भर सिर्फ ये नहीं कि तुम यहाँ पर पूजा हॉलीडेज़ में इतना बिजी हो, इतना तुम यहाँ पर यू आर रोमिंग हेयर एंड देयर एंड यू आर नॉट स्टडिंग एट ऑल. तुम्हें यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि जो भी प्रोजेक्ट वर्क है, प्लस यहाँ पर जैसे कि मैंने तुम्हें बोला कि तुम्हें यहाँ पर प्रिपरेशंस भी करना पड़ेगा बोर्ड्स के लिए. बिकॉज लेट मी रिमाइंड यू कि अब यहाँ पर काफ़ी लिमिटेड डेज रह गए हैं
अक्टूबर नवंबर दिसंबर। जनवरी में तुम्हारा काफ़ी सारे स्कूल्स में प्री बोर्ड्स होता है, फरवरी में तुम्हारा यहाँ पर बोर्ड एग्जाम्स होगा। सो यू हैव अप्रॉक्सीमेटली अराउंड 4 मंथ्स, वो भी यहाँ पर मैं सारा कुछ जोड़कर बता रही हूँ, तुम्हारे पास काफ़ी लिमिटेड डेज है। देखते ही देखते तुम्हारा बोर्ड एग्जाम्स काफ़ी ज़्यादा सामने आ चुका है, तो अच्छे से टाइम को यूज़ करो, प्लीज़ डोंट वेस्ट योर टाइम, अदरवाइज यू विल बी रिग्रेटिंग लेटर। तो तुम्हें यहाँ पर अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करना है। देखो यहाँ पर मॉर्निंग का टाइम बेस्ट टाइम होने वाला है, तो तुम्हें यहाँ पर ज़्यादातर जो भी तुम्हें करना है प्रिपरेशन प्लस यहाँ पर राइटअप, जो भी तुम्हारा रिटर्न वर्क है, सारा कुछ तुम्हें मॉर्निंग के टाइम करना है, बिकॉज इवनिंग के टाइम जो कि तुम्हारा पूजा का वाइब्स आता है, तुम्हें यहाँ पर बिल्कुल भी पढ़ने का मन नहीं करेगा बैठ। तो तुम्हें यहाँ पर क्या करना है, इट्स नॉट दैट आई एम टेलिंग यू टू स्टडी ऑल द टाइम, बट यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है दैट प्लीज़ नॉट वेस्ट योर एंटायर एनर्जी इन रोमिंग हेयर एंड देयर। तुम्हें यहाँ पर क्या करना है, अच्छे तरीके से यहाँ पर जो है प्रिपरेशंस भी करना है, जो भी तुम्हारा अभी तक का पेंडिंग वर्क है सारा कुछ यहाँ पर कंप्लीट करना है। अगर तुम चाहो तो इसको यहाँ पर वाइजली नोट्स एंड ऑल बना सकते हो, टाइम वेस्ट बिल्कुल भी मत करना। तुम चाहो तो कोई भी सब्जेक्ट के लिए तुम यहाँ पर जो है जो थ्योरी है उसका रिटन नोट्स भी प्रिपेयर कर सकते हो। और तुम्हें यहाँ पर क्या करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी कुछ सॉल्व करना है, चाहे तुम मैथ्स के लिए करो, चाहे यहाँ पर तुम फिजिक्स के लिए करो, चाहे तुम यहाँ पर हिस्ट्री सिविक्स के लिए करो। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि तुम्हें यहाँ पर क्या करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करना है। स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर देखो, तुमने अभी तक यहाँ पर पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट नहीं किया होगा, सो अनटिल एंड अनलेस यू हैव नॉट कवर्ड द एंटायर सिलेबस, तुम लोग यहाँ पर स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर पूरा का पूरा सॉल्व नहीं कर सकते। बट एटलीस्ट जो क्वेश्चंस है जो कि तुमने जितना चैप्टर्स कवर किया है वो सारा चैप्टर्स का क्वेश्चन तुम लोग स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर से सॉल्व कर सकते हो। तो ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तुम्हें यहाँ पर पैटर्न का आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके से क्वेश्चन आता है, किस लेवल का क्वेश्चन आता है, किस पैटर्न का क्वेश्चन आता है। तो इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि तुम्हें यहाँ पर ऑफिशियल स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व करना है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। और साथ ही साथ काफ़ी लोग ये पूछ रहे थे, कुछ लोग कॉमेंट्स कर करके, बर्षदी यहाँ पर ICSE एंड ISE 2025 का बोर्ड्स का ऑफिशियल टाइम टेबल कब आएगा? तो देखो यहाँ पर जो टाइम टेबल है तुम्हारा मोस्ट प्रोबेबली नवंबर के टाइम में आएगा, बिकॉज मिड नवंबर के टाइम, बिकॉज हर बार तुम्हारा नवंबर में रिलीज होता है ऑफिशियल जो कि तुम्हारा टाइम टेबल है। सो प्लीज़ डोंट वेट फॉर द टाइम टेबल राइट नाउ, अभी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि तुम्हें यहाँ पर जो है सिलेबस पे ध्यान देना है, जल्द से जल्द अपना पूरा सिलेबस कवर करना है। और टाइम टेबल जब भी मतलब कि आएगा मैं यहाँ पर वीडियो बना दूंगी, तुम लोगों को अपडेट दे दूंगी। तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, अच्छे तरीके से पूजा वेकेशंस को यूटिलाइज करना, प्लीज़ डोंट वेस्ट दिस टाइम, बिकॉज यहाँ पर तुम्हारा जो भी पेंडिंग वर्क एंड ऑल है वो अगर तुम लोग अभी नहीं करते हो तो फिर तुम्हारा यहाँ पर जस्ट प्रोजेक्ट लिखने में और ये तुम्हारा जो भी मतलब चीज़ है प्रैक्टिकल वर्क ये सारा चीज़ करने में ही टाइम चला जाएगा। सो प्लीज़ यूटिलाइज योर टाइम प्रॉपरली। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। इसके साथ साथ तुम्हारा पूजा वेकेशंस कब से स्टार्ट है ये चीज़ तुम लोग मुझे नीचे कॉमेंट कर बताओ। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।